सोएगा, खाएगा, मोबाइल चलाएगा और फिर सो जाएगा। फिर कभी पढ़ाई की याद आ गई तो रोएगा कि मुझसे नहीं होगा, मेरा पढ़ाई में मन ही नहीं लगता। फिर सो जाएगा, फिर जागेगा, फिर खाएगा, फिर मोबाइल चलाएगा। अरे तुमसे ज्यादा बेहतर तो एक जानवर की जिंदगी है। कम से कम उसे इस बात का एहसास तो है कि उसके लिए क्या जरूरी है। टाइम कम है, टाइम निकलता जा रहा है। आज माँ बाप खिला रहे हैं, कल कौन खिलाएगा? कल तुम्हारे साथ वाला तुमसे आगे निकल जाएगा, वो अपने सपने पूरा कर रहा होगा और तू सड़कों पर धक्के खाएगा और हमेशा की तरह रोएगा और बहाना बनाएगा कि मेरी तो किस्मत ही खराब थी। अरे किसे बेवकूफ बना रहे हो, किससे झूठ बोल रहे हो? ये दुनिया लोगों के भावनाओं को नहीं समझती, किसी के दर्द को नहीं समझती। अगर तुम्हें एक अच्छी जिंदगी जीनी है तो अपने माँ बाप का सहारा बनना होगा और कुछ करके दिखाना होगा, अपने सपनों को पूरा करना होगा। मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता, मुझसे नहीं होगा। अरे तुमसे क्यों नहीं होगा? तू भी तो एक इंसान है, तुझमें ऐसी क्या कमी है? तेरे पास ऐसा क्या नहीं है जो तुझसे नहीं होगा? जो बंदा क्लास में टॉप करता है वो भी तो एक इंसान है, उसकी भी तुम्हारी तरह दो आंखें, दो कान, दो हाथ और दो पैर हैं। पर तुम में और उसमें फर्क बहुत बड़ा है। तुम्हारा पढ़ाई में मन नहीं लगता, तुम पढ़ना नहीं चाहते क्योंकि तुम पढ़ने के लिए पढ़ाई करते हो, सिर्फ पास होने के लिए पढ़ाई करते हो। तुम्हारे लिए पढ़ाई कर लेना ही मंजिल है, एक सफलता है, एक लक्ष्य है। शायद तुमको यह मालूम नहीं कि पढ़ाई मंजिल नहीं बल्कि मंजिल तक जाने का एक रास्ता है। जिनके कुछ सपने होते हैं उनका ही पढ़ाई में मन लगता है, उनके ही जिंदगी में लक्ष्य होते हैं और उनको ही जिंदगी में कुछ करना होता है। और उन्हें यह भली भांति मालूम है कि पढ़ाई का रास्ता ही उन्हें मंजिल तक ले जा सकता है, इसलिए उनका पढ़ाई में मन लगता है और वो टॉप भी करते हैं। पढ़ाई को मंजिल नहीं रास्ता बनाओ, तब पढ़ाई करोगे। जो लोग यह बहाना बनाते हैं कि मोबाइल के वजह से पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो यह बात याद रखना, इस दुनिया में सिर्फ तुम्हारे अकेले के पास ही मोबाइल नहीं है। मोबाइल वो भी चलाता है जो क्लास में टॉप करता है, मोबाइल वो भी चलाता है जिसका करोड़ों की इंडस्ट्रीज है। दुनिया में मोबाइल लगभग हर इंसान चलाता है, लेकिन उसे मालूम है कि कब क्या करना है, कब मोबाइल चलाना है और कब मोबाइल नहीं चलाना है। तुम तो मोबाइल का यूज फालतू चीजों के लिए करते हो, लेकिन वह काम की चीजों के लिए उपयोग करता है। अरे तुम जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाओगे यदि तुम्हें मोबाइल ने अपना गुलाम बना लिया है। तुम बातें तो करते हो बड़ी बड़ी और एक मोबाइल से जीत नहीं पा रहे हो। आंखें खोल लो, अभी भी वक्त है, संभल जाओ, अभी भी वक्त है। अगर इन सब बातों को सुनने के बाद भी तुम्हारा जमीर ना जागा तो आज के बाद कोई मोटिवेशनल वीडियो मत सुनना। अगर इस वीडियो ने तुम्हें हकीकत से रूबरू करा दिया है और तुम्हारे सीने में आग लगा दिया है तो उठ के अभी से पढ़ाई करना, दूसरों को दिखाने के लिए नहीं बल्कि दिल से पढ़ाई करना, अपने मंजिल को पाने के लिए पढ़ाई करना। मैं इस वीडियो को यही खत्म कर रहा हूँ क्योंकि जिसको बात समझ में आनी होगी उसे 2 मिनट में समझ आ जाएगी और जिसको नहीं समझ में आनी होगी उसके लिए 2 घंटे की वीडियो भी कम पड़ जाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप उन लोगों में से नहीं होंगे, और यदि आप उन लोगों में से नहीं हैं तो अपने सपनों को पूरा करने के खातिर जाग जाओ।